अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल। तो कैसे हैं यार आप सब? आज तो बहुत ज्यादा थक गया हूँ क्योंकि आज बहुत ज्यादा काम किया है। सबसे पहले गया हूँ नौशेरा, फिर रूम के लिए कारपेट लेना था, चूंकि बेड तो आ गया था, कारपेट नहीं आता। फिर बहुत सारे कारपेट्स में बंदे कंफ्यूज हो जाता है ना कि कौन सा ले कौन सा ना ले। फिर बहुत सोच विचार के बाद ये एक कारपेट पसंद आया जो आप लोगों को नजर आ रहा है। फिर ये भी इसकी कटिंग वगैरह हो रही, फिर इसको रिक्शे के ऊपर लोड करवाए, इसको घर लेके आए। फिर बेड जो था, बेड तो वैसे का वैसे पड़ा था जैसे लेके आ गए थे, इसको जोड़ा नहीं था, मतलब सेट नहीं किया था। फिर इसकी सेटिंग वगैरह की है, रूम में कारपेट डाला है, ठीक है, बहुत सारा काम किया है आज तो इसलिए थक गया हूँ। और कुछ भाई कह रहे थे कि अपना रूम का टूर करवाए। रूम अभी फुल रेडी नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि भई आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। अभी बेड की जो बेड शीट वगैरह है वो भी बनवाने के लिए टेलर को दे दिए हैं। इस साइड पे जो दीवार की टाइप, मतलब डोर की साइड पे जो पर्दे वगैरह आएंगे वो भी बनवाने के लिए दे दिए हैं, तो वो भी बनेंगे। ये वाली वॉल पहले से ही ग्रीन थी, ठीक है, लेकिन ये लाइट ग्रीन थी, ठीक है, इसको थोड़ा सा हल्का ग्रीन टच दे दिया है। और ये वाला जो है ना, रेड का बाद में बताता हूँ, पहले येलो का आप देखिए, ठीक है। येलो ये इसलिए किए क्योंकि इसके साथ जो है ना कचरा है पीछे की तरफ ना, ठीक है, तो ये वो येलो येलो टाइप इसमें आता था। हमने कहा भाई इसको येलो ही कलर दे देते, ठीक है। फिर ये वाला रहता था, ये वाला, ठीक है, ये जो रेड आप लोगों को नजर, मैंने सोचा भाई इसको भी कोई ना कोई चिपका देते, चूंकि ऊपर ब्लू, ठीक है, ग्रीन, येलो, मैंने कहा ये एक रेड कर देते हैं, ठीक है। और कारपेट ये वाला हमने परचेज किया, ये वाला, ठीक है, आप लोगों को नजर आ रहा है ये डिजाइन है। ये हमें मिला है 14,000 का, ठीक है। बेड मिला है 62,000 का, साइड टेबल इसके आने हैं, एक सोफा आना है, ठीक है। और फोम हमें मिला है ये 18,000 का, ठीक है। ये 8 इंच का फोम है और ये मेहरान वाला है स्प्रिंग फोम, ठीक है। और यहाँ पे मैंने साथ अपनी एक अलमारी रख दी कपड़ों वाली, ठीक है। तो बाकी चीज़ें आएंगी, यहाँ पे एक सोफ़ा आएगा, LED आएगा, ठीक है, तो वो बाद की बातें हैं। लेकिन मैंने सोचा कि भैया आप लोग कह रहे कि शेयर करो, तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। टोटल रूम के खर्चे की अगर बात करूँ ना, ठीक है, तो 62 का बेड, 18 का फोम और 14 का कारपेट, तो ये तकरीबन 95,000 बनते हैं, ठीक है। और इतने और भी लगने हैं चूँकि LED आनी है और इसके डेकोरेशन का सामान आना है, सोफ़ा वगैरह आना है, बहुत कुछ आना है, तो ये 2 लाख लग ही जाएंगे चूँकि आजकल महंगाई इतनी है, हर चीज़ बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, बहुत ज़्यादा। ऊपर आ गया मैं धूप में, मैंने कहा थोड़ी सी धूप ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी वैसे भी धूप के दिन जाने वाले, ये 10-15 दिन धूप में बंदा बैठ पाएगा, फिर उसके बाद दिल नहीं करेगा बैठने को। और एक बात मैंने ये शेयर करनी थी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई ये खर्चे वगैरह बता के तो क्या शो करवा रहे हो, क्या शोखिया मार रहे हो, तो इसका बिल्कुल भी ये मकसद नहीं है। इसका सिर्फ सिर्फ मकसद ये है कि आप लोग अगर अपना रूम सेट करने का सोच रहे या सेट करवा रहे, ठीक है, तो अंदाजन आपको पता हो खर्चे का, और ये खर्चा आप आधे पे भी इसको कवर कर सकते हो। मतलब अभी मेरे 1 लाख में दो तीन चीज़ें आई है, तो आपके 50,000 में भी आ सकते हैं। लेकिन उसमें यह नुकसान होगा कि जो कारपेट मैंने लिया है तो ये वॉशेबल कारपेट है, इसके नीचे फोम भी लगा हुआ है, ठीक है, तो आप इसको मतलब 2-3 साल इजीली अच्छे से यूज़ कर सकते हो, रफ़ यूज़ अगर करो, ठीक है। अगर दूसरा हल्का लोगे 6-7-8 हज़ार का, ठीक है, तो वो एक चूना टाइप का होता है ना, ठीक है, वो जल्दी ख़राब हो जाता है, तो यही है, वॉशेबल नहीं होता, वॉश करोगे तो बस चूना खत्म, ठीक है। दूसरा, बेड मैंने प्योर लकड़ी के अंदर बनवाया है, कीकर की लकड़ी, ठीक है, जो कि कभी मतलब टूटेगा नहीं, ख़राब नहीं होगा इंशाल्लाह, उम्मीद तो है। और दूसरा आता है डीको वगैरह में, ठीक है, तो उसमें ये 30-40,000 का भी बन जाता, तो यही चीज़ें है। वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने ज़रूर बताना है, मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, ढेर सारा प्यार, अल्लाह हाफिज़।